नमस्कार, सस्तेकाल, केम छो, स्वागत करता है ये झारखंड का ब्राह्मण छोरा आप सभी को यस जाके ब्लॉग पे। सो दोस्तों, वेलकम बैक आप लोगों को मेरे ब्लॉग पे। तो काफ़ी दिनों के बाद फिर से आप लोगों को एक अमेजिंग ब्लॉग के साथ स्वागत करता हूँ मैं। 9 दिन के बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और आप लोगों, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था कि 9 दिन तक मैं कुछ नहीं करूँगा, ना तो वीडियो बनाऊँगा, ना आईना देखूँगा, ना बाल झाड़ना, कुछ नहीं। और अभी देख सकते हैं कि जस्ट पूजा करके ही उठे हुए हैं और बाल का हाल देख रहे हैं आप लोग किस तरह हो चुका है, इधर सब चीज़ कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं आज हम लोग के घर में जो हवन हुआ माँ दुर्गा का, आप लोगों को मैं उनको दिखवाता हूँ और हम लोग किस तरह घर में पूजा करते हैं वो चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ। तो बिना किसी लेट के आप लोगों को माँ दुर्गा का दर्शन कराते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों आप लोगों को मैंने अपना घर का हवन दिखा दिया, माँ दुर्गा का दर्शन करवा दिया और हम लोग हवन करने के बाद नौकन्या लोगों को भोजन करवाते हैं, जो कि कुंवारी नौकन्या रहती हैं, बच्चियां रहती हैं, उन लोगों को हम लोग भोजन करवाते हैं। और हम लोगों का हवन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद ही हम लोग अपना भोजन को मतलब ग्रहण करते हैं, कंप्लीट करते हैं, खाते हैं, जो बोलना है बोल सकते हैं। और अभी आप लोग बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे मंदिर से हवन करने का साउंड आ रहा होगा, तो आप लोगों को मैं उस ब्लॉग में भी जोड़ने वाला हूँ जो हवन में है, मंदिर में होने वाला है। तो फिलहाल अभी नौकन्या लोग आएगी, उन लोगों को भोजन कराएंगे, आप लोगों को मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आप लोगों को हिंदू ग्रंथ से रिलेटेड इस बार आप लोगों को वीडियो मिलने वाला है और आप लोगों को ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और कब वीडियो आप लोग स्टार्ट कीजिएगा और कब ख़त्म हो जाएगा आप लोगों को पता नहीं चलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। तो चलिए, जब नौकन्या आएंगी और उन लोगों को जब भोजन कराया जाएगा तो आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह नौकन्या को भोजन कराया जाता है और किस तरह हम लोग अपने धार्मिक स्थलों को, धर्मों को मानते हैं। तो बिना किसी लेट के आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और आगे का जो कार्यक्रम है उसको हम शुरुआत करते हैं।